electric dipole moment of a dipole at any point. Any point का meaning ना axial line ना equatorial line, कहाँ कहीं भी बीच में कहीं एक जगह पर आपको electric field find करना है, ठीक है। ये आपका electric dipole minus q plus q as usual AB, O is the midpoint, 2L is the dipole length। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला, बहुत ध्यान से समझिएगा, डायग्राम अभी पहले वाले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है, ठीक है। ये एक्सियल लाइन है डायपोल की और ये इक्विटोरियल लाइन है, करेक्ट। अभी एक्सियल लाइन पर भी हमने फाइंड कर लिया था, इक्विटोरियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। अब एक पॉइंट आपका यहां है, ठीक है, इसको ऐसे बनाइएगा कि आपको ये बीचों बीच ना लगे, 45 एंगल पर ना बनाइए, कहीं और बनाइए। यहां है पॉइंट पी और पहले की ही तरह इस पॉइंट पी की डाइपोल से डिस्टेंस है आर, सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस है इसकी आर, और पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। ए भी आपका डाइपोल है, माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ, प्लस क्यू से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, करेक्ट। पी पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ए बी, है। अब इसे यही छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। एक वेक्टर है टी वेक्टर, करेक्ट, और ये वाला पॉइंट है पी, ये है स्मॉल पी, रिप्रेजेंट्स वेक्टर पी वेक्टर, ये पॉइंट पी, ठीक। और इस ये ए भी है हमारे पास, इसका सेंटर है ओ, और एक लाइन मैंने ज्वाइन की ओ से पी की तरफ, ओ पी, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक लाइन तो है ओपी, एक लाइन हम अपनी तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं पासिंग थ्रू ओ, परपेंडिकुलर टू ओपी, परपेंडिकुलर टू ओपी, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, इट इज परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी के परपेंडिकुलर है ये, देख रहे हैं, ये राइट एंगल बनाया है, करेक्ट, क्लियर है, क्लियर हुआ यहां तक। अब इसे भी छोड़ो, कुछ और करते हैं। ये एक वेक्टर है पी वेक्टर ए बी, ठीक है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर रखी है, यहां कहीं पी है, और दूसरी लाइन ड्रॉ की है मैंने कहां, परपेंडिकुलर टू एपी, परपेंडिकुलर टू एपी, नॉट ओपी, इस बार एपी नहीं ओपी, ए ओपी नहीं एपी, ये परपेंडिकुलर है, ए बी इज अ वेक्टर पी वेक्टर। अब इस पी वेक्टर के कंपोनेंट्स हमको ड्रॉ करने हैं, पी वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो एक वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने अपनी एक एक्सिस पर, और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कहां, दूसरी एक्सिस पर, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ओके, लग रहा राइट एंगल से, वो सॉरी रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, एक कंपोनेंट ये बन गया, दूसरा कंपोनेंट ये बन गया, करेक्ट। अगर इस मैंने इस एंगल को थीटा लिखा तो ये क्या होगा, पी कॉस थीटा, और ये वाला कौन कितना होगा, इट इज पी साइन थीटा, पी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए, पी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए, है ना। इस ए बी का मिड पॉइंट है ओ, कौन सा है ओ। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था
कि वेक्टर को एक ही प्लेन में, वेक्टर है ये, इस एक ही प्लेन में आप इसे अपनी इच्छा से कहीं भी ले जा सकते हो, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में नहीं बदलना चाहिए, प्लेन ना बदले, एक ही प्लेन में ऊपर नीचे आगे पीछे खिसका सकते हो। तो अब ये जो कॉस कंपोनेंट है इसको मैंने खिसका के ऊपर लिया है, कहां लिया है, क्या है ये, क्या है ये, पी कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो आपका पी साइन थीटा है इसे भी खिसका करके मैं कहां ले आया, ऊपर ले आया, ये क्या है, इन्हें भूल जाओ, अब इन्हें देखो ही मत, ठीक है। फिर से एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कंजूसी नहीं बिल्कुल भी। ये आपका ए भी है, किसे रिप्रेजेंट करते हुए, पी वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट तो ये है, कौन सा है ये, पी कॉस थीटा, एंगल थीटा, और दूसरा कंपोनेंट है ये, कौन सा कंपोनेंट है, क्लियर हुई बात। दो कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमने इनको टेल से ड्रॉ नहीं किया, जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं इन दोनों कंपोनेंट्स को वेक्टर की टेल से ड्रॉ नहीं किया, एक्चुअली बनाए टेल से थे और फिर इन्हें खिसका लिया बीच बीच पॉइंट पर ले आए, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ओके हा? अब वापस आ जाए, यहां पहले वाले डायग्राम पर आ जाए, देखिए जरा ध्यान से, इस टी वेक्टर को मैं रिजोल्व कर रहा हूं, अच्छा इसमें और देखो ध्यान से, यहां देखना एक ये रेक्टेंगल बन गया, एक ये रेक्टेंगल बन गया, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन गए, एक ये वाला पूरा रेक्टेंगल, एक ये पूरा रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, एक ये, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन गए हैं, इनमें से कुछ रेक्टेंगल्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है, हाँ? अब फिर से यहां ड्रॉ करता हूं, देखिए रेड पेन से कंपोनेंट ड्रॉ कर देते हैं हम, ये कौन सा कंपोनेंट है, P cos थीटा, स्मॉल p, ठीक है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला P sin थीटा, स्मॉल p, एंगल थीटा। अब वो सवाल जिसके लिए सारे झंझट कर रहा है, ये जो पॉइंट P है, ये P cos थीटा अगर आपका एक डाइपोल वेक्टर है, डाइपोल वेक्टर है आपका, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है P cos थीटा, P नहीं है, अब डाइपोल मोमेंट P नहीं है, अब डाइपोल मोमेंट क्या है, P cos थीटा, मैं इसका नाम लिख देता हूं P डैश, इसका नाम लिख देते हैं हम P डबल डैश, एक डाइपोल मोमेंट है P डैश, इस P डैश डाइपोल मोमेंट के लिए P किस पोजीशन पर है, इस P डैश, P डैश जस्ट इमेजिन, सोच लीजिए कि यहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डायपोल मोमेंट है P डैश, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक डायपोल है P डैश, इस P डैश डायपोल के लिए पॉइंट P किस पोजीशन पर है, एक्सियल लाइन पर, करेक्ट। अब आंखें बंद कर लीजिए, ये सब छुपा लीजिए, ये सब छुपा लीजिए, अब दिख रहा है आपको केवल दूसरा कंपोनेंट P डैश, P डबल डैश, सिर्फ P डबल डैश है आपके सामने और पॉइंट P है, पॉइंट P इस P डबल डैश के लिए किस पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, करेक्ट। अब यहां पॉइंट P पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ा इस P डैश के कारण,
सॉरी हाँ इस P डैश के कारण पॉइंट P पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E1, याद कीजिए एक्सियल पोजीशन पर माइनस P से प्लस Q की माइनस Q से प्लस Q की तरफ, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां थी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही थी E1। तो ये कितना होगा E1, ये होगा आपका P डैश, याद कीजिए E1 कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये बन जाएगा आपका 2P डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट OP³, है ना। केवल ये है आपके सामने और दुनिया में कुछ भी नहीं है, केवल ये एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है P डैश। तो फिर इस डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 pi epsilon naught 2P/r³ निकल कर आई थी, 2P डैश बाय R कितना है OP, whatever it is, OP³। अब एक और डायपोल है आपके पास, दूसरा डायपोल है P डबल डैश के लिए पॉइंट P कहाँ है, इक्विटोरियल लाइन पर देखिए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस आ रहा था उसमें, तो ये E2 की वैल्यू कितनी होगी 1/4 pi epsilon naught माइनस माइनस तो हमने शो कर दिया एरो से, डायरेक्शन शो कर दी, P upon OP³। यहां 2P आना है, यहां 2P डबल डैश आना है, whatever be the value of P डबल डैश। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना होने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके वेक्टर सम के इक्वल आ जाएगा। फिर एंगल वेंगल फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। पहले एक डाइपोल को दो डाइपोल में तोड़ लिया, ऐसे डाइपोल में तोड़ लिया जिनमें से एक के लिए पॉइंट P बन जाए एक्सियल पोजीशन, दूसरे के लिए पॉइंट P बन जाए इक्विटोरियल पोजीशन। दोनों के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिए P पर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए फिर से P पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम। ठीक है, समझ रहे बात, करें सब, वापस आते हैं अपनी डेरिवेशन पर। अब देखिए डायग्राम कंजेस्टेड बनने वाला है, हालांकि करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम किसके परपेंडिकुलर, ओपी के परपेंडिकुलर, ये ओपी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और दूसरा परपेंडिकुलर मैंने यहां से ड्रॉ किया। अब ये आपके लिए क्या बन गया है, ये पूरा बन गया आपका P डैश विच इज इक्वल्स टू P cos थीटा, और ये एंगल आपके लिए थीटा, करेक्ट। एक परपेंडिकुलर मैंने यहां से ड्रॉ किया, दूसरा परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया और एक और वेक्टर आपका बन गया P डबल डैश, कितना P sin थीटा।
एक डाइपोल था आपके पास, ये आपके पास था एक सिंगल डाइपोल, कौन सा था ये, ये था पी वेक्टर। पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व किया आपने, पी डैश और पी डबल डैश, और दोनों कंपोनेंट्स को टेल से ड्रॉ ना करके मिड पॉइंट से ड्रॉ किया आपने, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, करेक्ट। अब पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम, किसका, ड्यू टू कंपोनेंट पी डैश, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू कंपोनेंट पी डबल डैश, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम ले लेंगे, कल करते हैं इसे फिर इतना। तो कल हमने डिस्कस किया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट के लिए हमने डिस्कस किया था। तो ये डाइपोल ए भी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ए से बी की डायरेक्शन में था, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने दो मोमेंट्स में बाइफरकेट कर लिया, एक तो पी कॉस थीटा जिसके लिए पॉइंट पी पड़ गया एक्सल लाइन पर, और दूसरा कंपोनेंट पी साइन थीटा जिसके लिए पी पड़ रहा है किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। अब यह दो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पी डैश डाइपोल के कारण, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पी डबल डैश के कारण, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां फाइंड करेंगे और दोनों का नेट रिजल्टेंट ले लेंगे, कहां, पॉइंट पी पर। तो कैसे पॉइंट पी पर कैसे हमें फाइंड करना है, पॉइंट पी पर कैसे हमने फाइंड करना, देखिए पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इवन वेक्टर ड्यू टू डाइपोल पी डैश, ड्यू टू डाइपोल पी डैश कितना होगा, इवन वेक्टर, इवन वेक्टर कितना होगा, इवन वेक्टर बनेगा आपका कितना, देखिए इस पी डैश के लिए पॉइंट पी कहां है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी ये वाला पी डबल डैश लिया हुआ मैंने, है ना, ये पी डैश है, ठीक है, तो पी डैश के लिए पॉइंट पी आ रहा है कहां, हमारा एक्सियल लाइन पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई1 कितना बना है, 2P' / 4πε0, और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर क्यू ओपी, क्योंकि आर आपने लिया हुआ है, ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर आपने लिया हुआ, डायग्राम में हमने शो नहीं किया, आर क्यूब बन गया ये, और दूसरा वेक्टर, अच्छा इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन है ओ से पी की डायरेक्शन, ठीक, अलोंग ओपी। फिर ई टू वेक्टर किसके कारण, ड्यू टू डाइपोल पी डबल डैश के कारण कितना होगा, पी डबल डैश हमने लिया है जिसके लिए पॉइंट पी पड़ता है कहाँ, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो फिर E2 कितना बनेगा, E2 बनता है आपका इक्वेटोरियल लाइन के लिए P डबल डैश बाय 4πε0, और वही R क्यूब। डायरेक्शन इसकी कहां होगी, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, जो वेक्टर हमारा होता है पी डाइपोल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है ना, डाइपोल वेक्टर कैसा है, डाइपोल वेक्टर को हम ए बी
या OP, OP के परपेंडिकुलर है डाइपोल वेक्टर आपका P डबल डैश, लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ये भी परपेंडिकुलर बन रहा है, तो मुझे कहीं नाम डालने पड़ेंगे इसके। यहां नाम डाल दूं PSR along PR, P से R की डायरेक्शन में। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए पॉइंट P पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम। E1 और E2 के बीच में कितना एंगल है, E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा। यहां थीटा कितना है, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है यहां 90 डिग्री है, तो फिर हेयर थीटा इक्वल्स व्हाट 90 डिग्री। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना बना, स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्या डायग्राम फिर से बताऊं, कल तो हमने पूरा डायग्राम ये डिस्कस कर लिया था, बैठिए बैठिए बता दूंगा दोबारा सारा सारा डिस्कस कर लेंगे।